हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज अपन बात कर रहे हैं आपके सामने टर्बो मशीन की। टर्बो मशीन के अंदर एक्सियल फ्लो गैस टर्बाइन की बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इसकी दो प्रॉब्लम अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया हुआ है कि साइकिल कैसे बनाते हैं, ब्लेड डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपका शाफ्ट वर्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लेड एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, या फिर आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट है जैसे इंटरनल ब्लेड स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी टफ है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा। गैस एट 7 bar एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड टू 3 bar इन एन इम्पल्स टर्बाइन स्टेज। यहाँ पे टर्बाइन लगी हुई है, वो इतने पे एक्सपेंड कर रही है। द नोजल एंगल इज 70 डिग्री विद द रेफरेंस टू द एग्जिट डायरेक्शन। द रोटर ब्लेड हैव इक्वल इनलेट एंड आउटलेट, मतलब कि बीटा 1 और बीटा 2 सेम दी है। एंड द स्टेज ऑपरेट्स विथ ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो, मतलब जो ब्लेड रेशियो भी दिया है वो ऑप्टिमम वाला दिया है। अज्यूमिंग द आइसेंट्रोपिक एफिशियंसी ऑफ द नोजल 0.9 एंड दैट द वेलोसिटी एट द एंट्री टू द स्टेज इज नेग्लिजिबल, डिड्यूस द ब्लेड एंगल यूज्ड एंड द मास फ्लो रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेज टू प्रोड्यूस 75 kilobar, मतलब जो शाफ्ट वर्क दिया है वो 75 kilobar दिया है और सीपी की वैल्यू 1.15 kJ/kg दी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर मैंने मान लिया इसे इनिशियल पॉइंट, इसे सेकेंडरी पॉइंट, नोजल की बात कर रहा हूं, जिसे सेकेंडरी पॉइंट 2' आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की 0.9 दी है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को T1 की कंडीशंस दी है, यहाँ का प्रेशर दिया है और यहाँ का टेम्परेचर दिया था, मैं लिख लेता हूँ गिवन डेटा। P1 दिया है मेरे को 7 bar और T1 दिया है मेरे को 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के 273, तो आपका कितना हो जाएगा 573 केल्विन। ठीक है, P2 दिया है आपको 3 bar, T2 आपको नहीं दिया है तो T2 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा T2/T1 इज इक्वल P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा, तो इसमें गामा की वैल्यू अपन लेते हैं 1.33, तो कितना है आपके पास P2 की वैल्यू इज 3, P1 की वैल्यू 7, 1.33 माइनस के 1 ओवर पॉइंट 1.33 गामा माइनस 1 ओवर गामा, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे 0.333 डिवाइडेड बाई 1.333 3/7 की पावर 3/7 की पावर, आंसर ये निकला मेरा 8091 और T2/T1। अब T1 का मल्टीप्लाई करते हो तो T2 निकल के आ जाएगा, तो T1 की वैल्यू मेरी 573 मल्टीप्लाई 573 निकल गया 463.6255, कितना निकला इसके नीचे लिख लेता हूँ, तो T2 निकला 463.6255 केल्विन। इसके बाद नोजल की एफिशिएंसी दी थी, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कैसे निकालते हैं अपन कम ओवर ज़्यादा, तो कम ओवर ज़्यादा कैसे निकलेगा देखिए, T1 में से आपका T2' जाएगा तो वैल्यू आपकी कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, ये टेम्परेचर आपका कम है, तो कितना आएगा आपका T1 माइनस T2 तो 0.9 इज इक्वल, T1 की वैल्यू आपको दी है 573, T2' आइडेंटिफाई करना है ओवर 573 माइनस के T2, T2 कितना है 463.63 कर देता हूँ इसको 63, तो कितना आया देखिए 573 माइनस के आंसर मल्टीप्लाई 0.9, दिस वैल्यू उधर जाएगी, दिस वैल्यू उधर जाएगी, तो प्लस होगा, ये 573 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आएगा T2' इज इक्वल 474.56 केल्विन। क्लियर, इसे T2' जब T2' आइडेंटिफाई हो गया है, तो मेरे को एक नोजल की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, नोजल स्पीड C1 इज इक्वल अंडर रूट 2 CP into temperature difference,
मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस की बात करोगे तो 1 माइनस टी टू डैश 2 इंटू सीपी की वैल्यू दी है मेरे को 1.15 किलो जूल में, 1.15 इंटू 10^3, टी वन की वैल्यू है मेरे पास 573 माइनस के 474.56। सॉल्व कर लेते हैं, 573 माइनस के आंसर इंटू 1.15 इंटू 1000 इंटू 2 कितनी आई 475.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज सी वन, सी वन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है अच्छे तरीके से। तो ब्लेड डायग्राम आपको पता ही है, पहले से मैं दोबारा बना देता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, कोई नहीं। दिस इज सी वन, दिस इज डब्ल्यू वन, दिस इज डब्ल्यू टू, दिस इज सी टू। सी वन की वैल्यू मेरे पास है 475.8। उन्होंने एंगल दिया था, दिस एंगल इज, बड़ा वाला एंगल इज 70 डिग्री, 70 डिग्री मेरे को एंगल दिया था। दिस छोटा वाला एंगल इज बीटा वन, दिस बड़ा वाला एंगल इज बीटा टू, दिस छोटा वाला एंगल इज अल्फा टू। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि अपन को ये पता पड़ गया, तो अपन को एक और चीज़ बताती कि इन्होंने यहाँ पे अपन को दिया था ऑप्टिमम ब्लेड रेशियो। क्या दिया था अपन को? ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो। तो वो क्या होता है आपका, सिग्मा ऑप्टिमम इज इक्वल यू ओवर सिग्मा वन इज इक्वल साइन एल्फा वन ओवर टू। ये आपका डेरिवेशन में निकल के आता है कि जब आपकी मैक्सिमम कंडीशन निकल के आती है तो यहाँ से आपकी यू की वैल्यू निकलेगी, कि यू की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, सी वन इंटू साइन एल्फा वन बाई टू। तो सी वन की वैल्यू आपकी 475.8 इंटू साइन 70 डिग्री ओवर टू। तो देख लीजिए आंसर तो है आपके पास इंटू साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाई टू, कितना आया, यू इज इक्वल 223.56 मीटर पर सेकेंड, यू आ गया। अब बात करते हैं आपकी बीटा की, तो यू पता है मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को सी एक्स वन पता है, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा डब्ल्यू एक्स वन। और इसी जगह से मेरे को ये पता है तो एंगल भी पता है, तो मेरे को सी ए भी पता पड़ जाएगा, तो सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ लिख लेता हूँ, 10 बीटा 1 इज इक्वल, 10 बीटा 1 इज इक्वल कितना है आपका, डब्ल्यू एक्स वन ओवर सी ए। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू एक्स वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी एक्स वन माइनस के यू ओवर सी ए। अब देखिए सी एक्स वन की वैल्यू मेरे को पता है कि ये जो लाइन है, मतलब जो सी वन कंपोनेंट है उसका जो कंपोनेंट आया है साइन वाला कंपोनेंट होगा वो उसके बराबर होगा, तो क्या लिख सकता हूँ, सी वन साइन 70 डिग्री माइनस के यू ओवर, और ये जो कंपोनेंट होगा वो कैसे होगा आपका, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका, सी वन कॉस 70 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं, सी वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 475.8 इंटू साइन 70 डिग्री माइनस के यू 223.56 और 475.8 कॉस 70 डिग्री। देख लेते हैं 475.8 साइन 70 डिग्री माइनस के 223.56 डिवाइडेड बाई 475.8 कॉस 70 डिग्री, कितना निकल गया आपके पास, 10 बीटा 1 इज इक्वल 1.3736। तो 10 इनवर्स आंसर, तो बीटा 1 इज इक्वल कितना निकला, 53.94 डिग्री। तो मैंने मान लिया इसको 54 डिग्री, क्योंकि उन्होंने ब्लेड एंगल दोनों बराबर दिए थे, तो बीटा 1 इज ऑल्सो इक्वल बीटा 2। क्लियर है गाइस, बीटा 1 इज इक्वल बीटा 2 निकल के आ गया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दी थी पावर, जो पावर दी है वो दी है मेरे को 75 किलो वॉट।
दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 75 किलोवाट। तो उसके लिए आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि 75 किलोवाट है, तो उसको क्या करेंगे अपन कि शाफ्ट वर्क इज इक्वल एम नॉट यू सी एक्स वन प्लस के सी एक्स टू, ठीक है, सी एक्स वन प्लस के सी एक्स टू मतलब दिस वन पार्ट, सी एक्स टू सी एक्स वन प्लस के सी एक्स टू। अब देखिए मेरे को ये पता है 75 किलो न्यूटन है, यू की वैल्यू मेरे को पता है, सी एक्स वन मेरे को पता है कि सी एक्स वन कितना है मेरा दिस वैल्यू, और मुझे सी एक्स टू नहीं पता है। तो जो सी एक्स टू होगा वो मेरा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं जो आपकी डब्ल्यू एक्स टू है उसमें से अगर मैं यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिए दिस इज डब्ल्यू एक्स टू, यहाँ से डब्ल्यू एक्स टू में से मैं अगर यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, आपकी सी एक्स टू की वैल्यू निकलेगी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो तो देन मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ पे सी एक्स टू की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्सियल कंपोनेंट है मेरे को वो इक्वल करना है। तो एक्सियल कंपोनेंट इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी वन वाला कंपोनेंट और डब्ल्यू टू वाले कंपोनेंट को मैं बराबर कर देता हूँ, क्योंकि एक्सियल की वैल्यू क्या है आपकी बराबर है। तो क्या होगा आपका, सी वन कॉस 70 डिग्री इज इक्वल डब्ल्यू टू कॉस, बीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है, 54 निकाली थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आपको पता भी था, सेकेंड के पेज पे लिखी हुई है, मैं बता दिखा दूंगा आपको, आप निकाली है थोड़ी देर पहले। तो C1 की वैल्यू मेरे पास है वो है आपके पास, C1 की वैल्यू 475.8 cos 70 डिग्री इज इक्वल, W2 की वैल्यू मुझे निकालनी है cos 54 डिग्री, तो देख लीजिए कितना आएगा, 475.8 cos 70 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 54 डिग्री, कितना निकल के आया आपके पास, W2 इज इक्वल 276.85 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ये निकल के आई मेरी W2 की वैल्यू निकल के आई। अब W2 से मेरा कंपोनेंट आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और मुझे चाहिए U वाली वैल्यू, U मेरे को पता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ CX2। तो देखिए क्या होगा, CX2 इज इक्वल WX2 माइनस के U। तो WX2 क्या होगा, देखिए इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका जो कंपोनेंट है ये वाला, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ, दिस इज अ W2, दिस इज अ 54, ये है मेरा WX2। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, वो साइन लगा दूंगा, तो देखिए क्या आएगा, साइन 54 डिग्री इज इक्वल WX2 ओवर W2, तो W2 इज इक्वल WX2 इज इक्वल W2 इंटू साइन 54 डिग्री। तो यहाँ लिख दिया W2 साइन 54 डिग्री माइनस के U, तो W2 की वैल्यू आपको पता है कितना, 276.85 साइन 54 माइनस के U, U की जो वैल्यू आपके पास है वो आपके 223.56, तो कितना निकल के आएगा आंसर साइन 54 माइनस के 223.56, हाँ यही आ रहा है 0.4230 मीटर पर सेकेंड सी एक्स टू। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, पावर का एम नॉट यू सी एक्स वन प्लस के सी एक्स टू, दिस इज 75 किलो न्यूटन किलो वॉट, एम नॉट आइडेंटिफाई करना है, यू की वैल्यू थी मेरे पास 223.56, सी एक्स वन की वैल्यू थी मेरे पास 475.8 साइन 70 डिग्री और प्लस के 0.4230, ये भी निकालिए कितना आएगा आंसर, प्लस 475.8 साइन 70 मल्टीप्लाई 223.56 75 डिवाइडेड बाय आंसर, तो एम नॉट इज इक्वल 0.7496 kg/s। दिस इज आंसर। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।